किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। भाइयों जैसे कि आपको मालूम है, आज जो है हमारे खेत में गेहूं की कटाई हो रही है। थ्रेसर लगी है मोटे भाई की और इनकी इस बार तीन मशीन चल रही हैं, दो अर्जुन नोवा पे और एक स्वराज 855 पे। ये जो अर्जुन नोवा पे मशीन है ये बालाजी इंजीनियरिंग वालों की मशीन है, बहुत बढ़िया काम कर रही मशीन, भूस भी बहुत बढ़िया निकाल रही है और देख सकते हैं कितनी अच्छी गाई कर रही है। हम तो बड़ा ट्रैक्टर लाए इसलिए क्योंकि छोटी जो बुग्गी है ये इतने इस बड़े खेत का अनाज नहीं आ पाता, तो इसमें एक बार के में सारा अनाज आ जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना शानदार तरीके से काम कर रही है मशीन और भूस बहुत बारीक बना रही है, ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं भूस जो है बिल्कुल बारीक बना रही है, बहुत बढ़िया। और भाई वो ट्रैक्टर जो है 1500-1600 आरपीएम पे चल रहा, बहुत बढ़िया बिना किसी लोड के। और दो भाई गहरा लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं कि लाड़ जो है सूखा चल रहा, अगर हम लाड़ को गिल्ला करके कटवाते मतलब कटते ही एकदम मशीन बुला लेते तो भाइयों लाड़ जो है गिल्ला चलता, ट्रैक्टर लोड मानता और नाज में गट्ठा आता। और हमारे यहाँ पे जो है आपने देखा होगा ज़्यादातर किसान भाई जो हैं भूस के नीचे ये पल बिछा लेते हैं, इससे जो है भूस वीरान होने से बच जाता है और सारा भूस पल्ली के ऊपर ही आ जाता है पलों के। जैसे हम इसकी भराई करेंगे तो हमें 10 ही मिनट लगते हैं खेत खाली करने में, नहीं तो सकेरने में कई गठिये भूस वीरान हो जाता है और ना कोई सिलियारी रही जो इसे इकट्ठा करेगी। ट्रैक्टर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत ही शानदार। 1500-1600 आरपीएम में बहुत बढ़िया। अरे देखो ये कैसे खुलेगा ऊपर, बहुत बढ़िया। इससे जो है सारे ट्रैक्टर में हवा लगती है और नोवा का इंजन देखो आप कितना बड़ा इंजन है। देख सकते हैं निकासी अभी नहीं, इसने काफ़ी निकासी कर दी, नाज भी अच्छा निकल रहा, बहुत बढ़िया जबरदस्त बढ़िया। भाइयों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ अगर आप किराया करने का मन है आपका तो आप बड़ी थ्रेसर मशीन बनाएं, बड़ा ही ट्रैक्टर लें, क्योंकि आगे आगे जो है डीजल का एवरेज जो ट्रैक्टर अच्छा देगा वही कामयाब रहेगा। नमस्कार।